नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्वेश्चन क्विज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है मोटर का घूर्णक अर्थात रोटर 1414 आरपीएम पर घूमता है और इसकी तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम है, तो मोटर का अनुमानित सर्पण प्रतिशत क्या होगा। साथियों, यहाँ पे प्रतिशत स्लिप की बात की जा रही है, सर्पण का अर्थ है स्लिप का। तो साथियों, स्लिप की बात की जाए तो स्लिप का फॉर्मूला है एन एस अर्थात सिंक्रोनस चाल या तुल्यकालिक चाल माइनस एन आर अर्थात रोटर की चाल बटे एन एस अर्थात सिंक्रोनस चाल गुणा में 100 इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें प्रतिशत स्लिप जिसे सर्पण प्रतिशत का नाम दिया गया है, सिंक्रोनस चाल कितनी है 1500 आरपीएम माइनस 1414 रोटर की चाल है और यहाँ पे 1500 गुणा में 100, दो शून्य से दो शून्य काट दी, 1500 में से 1414 गए, कितने बच गए हमारे पास 86/15। तो साथियों, जब हम भाग देंगे 86 में 15 का तो 15 6 90, 15 5 75 तक जाएगा, 15 5 75 बच गए कितने 11, लगाई दशमलव उतारा जीरो, कितने हो गए 110, 15 7 105। उसके बाद में लगे 5 15 3 45, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाता है 5.73, जिसे अनुमानित हम क्या कह सकते हैं 6% कह सकते हैं। तो एक मोटर के रोटर की चाल अगर 1414 आरपीएम हो और तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम हो तो प्रतिशत स्लिप का मान 5.7% या अनुमानित 6% होगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है सर्पण वल्य साधारणतः किसके बने होते हैं। सर्पण वल्य का अर्थ है स्लिप रिंग, रिंग का मतलब वल्य का मतलब रिंग और सर्पण का मतलब हो गया स्लिप। तो स्लिप रिंग साधारणतः किसके बने होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चालक धातु अर्थात फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये रोटर के साथ घूर्णन गति करते रहते हैं अर्थात घिसते रहते हैं, तो कम घिसे इसलिए इसे फास्फोर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। इसका सही अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि घूर्णन रोटर के द्वारा घूर्णन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना ही स्लिप रिंग का कार्य है। इसे अल्टरनेटर में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थान के संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। साथियों, यहाँ पे दीप का अर्थात है लैंप का, अर्थात निमी भाषा में लैंप को क्या कहते हैं, दीप कहते हैं। पार्द वाष्प लैंप अर्थात यहाँ पे मर्करी वेपर लैंप की बात की जा रही है, सोडियम वाष्प लैंप या सोडियम वेपर लैंप, आरक मतलब आरक लैंप, प्रतिदीप्त लैंप अर्थात फ्लोरोसेंट लैंप और फिलामेंट अर्थात फिलामेंट लैंप। तो जिस लैंप को चलाने के लिए डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है वो कौन सा लैंप होता है, आरक लैंप होता है। बाकी सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप तथा फिलामेंट लैंप के लिए ये सभी एसी से संचालित किए जा सकते हैं। तो हमारे एक ही लैंप है आरक लैंप, जिसे डीसी की आवश्यकता होती है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है परिपथ वियोजक में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है। साथ ही यहाँ पे बात की जा रही है जब शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है उसके अंदर सर्किट ब्रेकर की किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीबी या किसी भी सर्किट परिपथ के अंदर कौन से लॉकिंग परिपथ होता है, तो चुंबकीय निर्गम अर्थात चुंबकीय लॉकिंग व्यवस्था इसके अंदर होती है, मैग्नेटिक सर्किट होता है।
जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक बनके इसे जकड़ के रखती है और जैसे ही विद्युत धारा की सप्लाई कट होती है तो चुंबकीय सर्किट टूट जाता है और परिपथ पूरी तरीके से ओपन हो जाता है जिससे विद्युत धारा सप्लाई बंद हो जाती है। तो एक सर्किट ब्रेकर के अंदर शॉर्ट सर्किट के स्थिति के अंदर सुरक्षा चुंबकीय लॉकिंग या चुंबकीय सर्किट परिपथ की सहायता से कार्य करता है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुवों की संख्या 4 स्लॉट की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच क्या होंगे। ध्रुव पिच को किस नाम से जाना जाता है, पोल पिच। यहाँ पे मैंने आपको सभी पहले ही बता दिया, सभी के सभी क्वेश्चन निमी भाषा के अंदर है। तो पोल पिच क्या होगी, तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या है, तो साथियों स्लॉटों की आर्मेचर में स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। स्लॉटों की संख्या कितनी है 24, पोल कितने हैं 4, कार्दिय कितने हो गए 6, तो ध्रुव पिच का मान कितना आ गया 6 आ गया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्रुव पिच का फॉर्मूला क्या है, आर्मेचर के अंदर कटे स्लॉटों की संख्या भाग रोटर के अंदर कितने ध्रुव उपयोग किए गए हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, या उन दोनों का अनुपात ध्रुव पिच के बराबर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एक गीजर है, गीजर के अंदर दो प्रकार के टैंक होते हैं, एक भीतरी टैंक जिसके अंदर और एक क्या होता है बाहरी टैंक होता है। भीतरी टैंक और बाहरी टैंक के बीच के अंदर कुछ पदार्थ उपयोग किया जाता है ताकि जो बाहर की ऊष्मा है वो अंदर ना, अर्थात अंदर के जो आंतरिक टंकी है उसको ठंडा ना करे। इसलिए इसके अंदर किस उपयोग किया जाता है, ग्लास वूल, अर्थात एक रूई के जैसा एक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो किसका बना होता है, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यह किसका बना होता है फाइबर का बना होता है। तो यह भी याद रखना, एक रूई जैसा पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कि फाइबर का बना होता है, या आप कह सकते हो एक कांच के साथ साथ में फाइबर का भी उपयोग किया जाता है। तो 496 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए, अर्थात जो आउटपुट होती है कलेक्टर धारा को बढ़ाने के लिए, उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए ही ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, परिपथ वियोजक अर्थात सर्किट ब्रेकर में किसके अंतर्गत परिपथ निर्माण या निर्मित तथा वियोजक करने की क्षमता वाला एक उपकरण है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, सर्किट ब्रेकर है वो भार की सामान्य अवस्था तथा भार की असामान्य अवस्था के अंदर परिपथ का निर्माण तथा वियोजित होता है। अर्थात मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किट ब्रेकर जब भार की सामान्य अवस्था होती है तो वह परिपथ को बनाए रखता है, और जैसे ही भार असामान्य अवस्था होती है तो वह परिपथ को तोड़ने में सक्षम होता है। तो बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक अर्थात एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर कुछ कुंडिया होती है, जैसे ही विद्युत धारा सप्लाई या ओवर होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो कुंडिया होती है ये गर्म होकर टूटने का काम करती है। तो इनके अंदर जो स्पार्किंग आरक अर्थात आरक या स्पार्किंग कारण इनके जो कुंडलन होते हैं उनको ठंडा करने के लिए इसके अंदर संपीड़ित वायु का इस्तेमाल किया जाता है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर जो संपीड़ित वायु का इस्तेमाल आरक को ठंडा करने के लिए किया जाता है ताकि जो सर्किट ब्रेकर उसकी जो आयु है वो आयु बढ़ती जाए, अर्थात इसे दोबारा भी काम में लिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध
क्या होगा। तो साथियों प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर समानुपाती एल बटे है। पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी जब उसी प्रतिरोध या उसी तार को, जैसे 2 मीटर की लंबाई है और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल 1 है, तो साथियों जैसे ही उसकी लंबाई को दोगुना किया जाता है तो उसका कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा आधा हो जाता है। तो पहले इसकी लंबाई कितनी थी L, अब इसकी लंबाई कितनी कर दी गई है, दोगुनी कर दी गई है, तो इसका कटाक्ष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो साथियों L बटे A गुणा में 2 और फिर ये 2 किस में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो साथियों 4L बटे A अर्थात जो प्रतिरोध है पहले की अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा, 4 गुणा अर्थात 4R हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है, जब उसी तार को खींच के उसकी लंबाई को दोगुना किया जाता है तो उस तार का कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इस स्थिति के अंदर प्रतिरोध पहले की अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 10 ओम के प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। साथियों ये एक तार है, इसकी लंबाई अपने को पता नहीं है परंतु इसका प्रतिरोध कितना है, 200 ओम है। यही जब इसी तार को हमें क्या कर दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाता है, तो वृत्त बना दिया जाए तो इसके 2 बिंदु मान लेते हैं, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। तो साथियों हम कह सकते हैं कि एक प्रतिरोध हो गया 5 ओम का ये, क्योंकि 2 समान भागों में बंटेगा और दूसरा क्या हो गया 5 ओम का ये, तो हम क्या कर देते हैं, तो 1/2 अर्थात 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गए। पहले क्या थे, श्रेणी क्रम में, अब क्या हो गए, समांतर क्रम में। तो 1/R1 प्लस में 1/R2 अर्थात हम कह सकते हैं 1/5 प्लस में 1/5, तो 5 आ गया लघुतम, 1 प्लस में 1, ये किसका मान है, 1/RT का। अब क्या आ जाएगा, RT का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/2, क्योंकि ये संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, परिवर्तित हो जाएगी। तो RT का मान कितना आ जाएगा, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 ओम हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि डी हमारे ऑप्शन में मिलान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं भी 2 कोणों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। साथियों ये भी एक शर्त है कि जब 3 प्रतिरोध एक समान हो और उनको एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे एक प्रतिरोध ये है, दूसरा इसमें है, तीसरा ये है, R1 R2 R3। साथियों जब बात की जाए यहाँ पे किसी भी 2 बिंदु के मध्य माप लो, ए देख लो, तो जब किसी त्रिभुज के अंदर 3 प्रतिरोध जुड़े हों और तीनों में गिनी 2 बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध मापा जाता है, तो 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तथा 1 प्रतिरोध को समांतर क्रम में माना जाता है। तो ए और R1 और R2 को किस में मान लिया हमने, श्रेणी क्रम में, तो इसका मान हो गया RT बराबर 1 प्लस में 1 बराबर 2 हो गया, और इसका मान R3 का मान कितना हो गया, 1 है। अब 1 2 ओम का और 1 1 ओम का दोनों प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में, तो 1/RT बराबर 1/2 प्लस में 1/1, 2 आ गया लघुतम, 1 प्लस में 2, टोटल कितने हो गए, 3/2। 1/RT का मान कितना है, 3/2, और RT का मान निकालेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 2/3, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन में मिलान कर रही है। ये एक नियम है कि जब किन्हीं 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो किन्हीं 2 कोणों के मध्य प्रतिरोध मापने पर 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तथा 1 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में मानकर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, और इसी तरीके से हमने इसका आंसर कितना निकाला है, 2/3। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वोल्टेज डबलर के अंदर कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड का उपयोग किया जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सार्वजनिक आपूर्ति का लाइव
संवाहक भू संपर्क धातु से स्पर्श करने पर। यहाँ पे बात की जा रही है साथियों, जब विद्युत सप्लाई का लाइव अर्थात फेज वायर अर्थ के अर्थ धातु के संपर्क में आ जाता है, मैंने आपको पहले बताया था सभी के सभी क्वेश्चन नियमी भाषा के अंदर है। सार्वजनिक आपूर्ति अर्थात विद्युत सप्लाई का फेज वायर या फेज चालक भू संपर्क धातु से संपर्श करने पर क्या होगा, पूरी की पूरी जो धारा है वो भू संपर्क में प्रवाहित हो जाएगी अर्थात अर्थ के अंदर चली जाएगी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ना ही तो वोल्टेज घटेगी ना बढ़ेगी ना ही चालक घटेगा, क्या होगा विद्युत धारा का मान है वो अर्थिंग के अंदर प्रवाहित हो जाएगा, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, चालकत्व किसके समान होता है। जब बात की जाए साथियों विद्युतीय परिपथ के अंदर चालक और चुंबकीय परिपथ के अंदर पारगम्यता किसके बराबर होती है, चालकता के साथ, अर्थात किसी चालक के अंदर या किसी पदार्थ की पारगम्यता क्या होती है, उसे चुंबकीय जो अणु है या डोमेन है वो प्रवाहित करने की क्षमता होती है, और वैसे ही चालक धातु क्या होता है अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित करने रखता है। तो चालकत्व किसके समान होते हैं, पारगम्यता के, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।